व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर गेम GTA 5। तो गाइस हमारा बंदा अभी विटामिन डी ले रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, योगा कर रहा है सूरज के सामने बैठकर। तो इस योगा इसीलिए कर रहा है क्योंकि भाई इसकी बॉडी में विटामिन डी की थोड़ी सी कमी आ गई है, इसी वजह से ये विटामिन डी ले रहा है सूरज के सामने बैठकर। तो फाइनली अभी ये मेडिटेशन कर रहा है, तो बस एक सेकेंड का काम और रह गया इसका। फ्रैंकलिन गाइस योगा करके अब उठ चुका है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं अपना घर। यहां पर ये है मेरा बहुत ही बड़ा भाई स्विमिंग पूल, और यहां पर भाई जो गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं तो यहीं पर बैठकर भाई सुबह के टाइम के बीच में यहां पर बैठकर भाई ये भी सनसेट लेते हैं। तो आगे की साइड में आपको दिखाता हूं भाई, बहुत ही बड़ा शहर है ये। जो शहर आप देख रहे हो, इस शहर का नेम है लॉस सैंटोस। बहुत ही बड़ा शहर है, मैं आपको पूरा शहर भी घुमाऊंगा कि कितना ज्यादा भाई अच्छा शहर है, देखने में बहुत सुंदर है। तो आगे सामने की साइड में भाई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, यहां से व्यू बहुत अच्छा था, इसीलिए फ्रैंकलिन ने यहां पर अपना घर बनवाया। व्यू अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए फ्रैंकलिन ने सोचा कि यहीं पर भाई हमें घर लेना चाहिए। तो ये रहा इसका बड़ा सा स्विमिंग पूल। तो अंदर की साइड में भाई इसका रूम भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर बाहर की साइड से देख सकते हैं कि यहां पर इसने क्लॉथ्स रखे हुए हैं। तो एक भाई इसने टेलीस्कोप भी रखा हुआ है, वो नाइट के विषय भाई अब मैं आपको दिखाऊंगा कि नाइट के विषय भाई कितना ज्यादा अच्छा लगता है अगर हम टेलीस्कोप से चांद को देखें। यहाँ का व्यू तो आपने देख लिया, तो अब मैं आपको ऊपर का भाई रूम का व्यू दिखाता हूँ कि भाई इसने रूम के विषय बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। सो कि टेलीस्कोप भी रखा हुआ है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या है, यहाँ से व्यू देख रहे हैं। तो व्यू देखने के लिए भाई ये बहुत ही मस्त जगह इसने बनाई हुई है यहाँ पर। तो ऑल राइट, अभी हम चलते हैं इसके घर के अंदर। तो घर के अंदर जाने का भाई रास्ता यहाँ से थोड़ा बाहर से है, थोड़ा सा भाई हमें आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर की साइड में भाई देख सकते हो कि भाई सड़कें कितनी ज़्यादा मस्त है कि हमारे इंडिया की जैसी नहीं है, बट इंडिया के बीच में अब भाई सड़कें बहुत ही मस्त बना दी गई हैं क्योंकि हमारे भाई प्रधानमंत्री इतने मस्त है ना। तो अभी हम चलते हैं घर के अंदर। तो ऑल राइट भाई साहब, देख सकते हो भाई अंदर की साइड में कितनी ज़्यादा, भाई साहब क्या बात है भाई, टीवी भाई चल रहा है यार, मुझे तो लग नहीं रहा था कि भाई टीवी चलेगा, बट फाइनली भाई टीवी चल रहा है, क्या बात है भाई। टीवी की क्लैरिटी भी देख सकते हो कि टीवी के बीच में भाई GTA 5 भी दिखा रहे हैं। अरे छोड़ यार भाई, इसको बंद कर, इसको बंद कर यार। चलो गाइज यार, अभी टीवी देखने का हमारे पास भाई समय नहीं है, अभी हम चलते हैं भाई बाहर। तो आपने घर का व्यू तो भाई देख लिया, अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो चलो गाइज अभी हम चलते हैं बाहर, और बाहर जाकर मैं आपको पहले अपना गैरेज दिखाता हूँ कि भाई इसकी गैरेज में कितनी मस्त गाड़ी है कि भाई गाड़ी देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। दो गाड़ी है भाई इसके पास, एक तो पुरानी वाली, ये जो भाई बाहर की साइड में तो खड़ी नहीं हुई है, बट अंदर की साइड में भाई जाकर देखते हैं। ओ भाई 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 क्या गाड़ी है यार, भाई गाड़ी देखो, मुझे लगता है शायद दो गाड़ी है, लेकिन दूसरी वाली भाई गाड़ी कहाँ गई यार, मुझे लगता है गाइस हमारी दूसरी गाड़ी भाई चोरी हो गई। लेकिन ये वाली जो गाड़ी थी, ये गाड़ी भाई हमने भी चोरी ही की थी। तो कैसे चोरी की थी ये तो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। तो चलो गाइस अभी इसकी एक राइड लेने के लिए चलते हैं बाहर। तो भाई इस गाड़ी का यार डिज़ाइन और कलर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, अगर आपको इस गाड़ी का नाम पता है ना नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो ऑल राइट गाइज अभी हम चलते हैं सीधे भाई शहर में, तो शहर में जाकर इसकी पूरी बड़ी भाई टेस्ट ड्राइव करेंगे। तो अभी तो यार इतनी छोटी सी सड़क के बीच में तो मैं इस गाड़ी को इतना ज़्यादा भगा नहीं सकता क्योंकि कई बार भाई लग गई, क्योंकि इतनी महंगी भाई गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी के ऊपर अगर स्क्रैच पड़ जाएगा तो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो गाइस अभी हम फटाफट भाई पहुंच जाते हैं। ओ भैंस की टांग, लोगों को तो यार भाई दिखता ही नहीं है, लेकिन फाइनली मेरी गाड़ी के ऊपर कोई भी ऐसा स्क्रैच तो नहीं है। तो अभी यहाँ से धीरे से करके निकाल लेते हैं गाड़ी को। तो ऑल राइट गाइज, चलो अब हम जल्दी जल्दी भाई शहर पर पहुंच जाते हैं। तो ऑल राइट गाइज, मैं गाड़ी को भगाता हुआ था गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस के सबसे बड़े शहर में। भाई यहाँ पर बिल्डिंग्स कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कोई भी छोटी मोटी भाई बिल्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाल थोड़े से उगाने के लिए, क्योंकि फ्रैंकलिन के सर के ऊपर भाई बाल नहीं है। तो यहाँ पर भाई एक सलून तो है, मुझे पता है कि यहाँ पर एक सलून है, थोड़ा सा आगे ही है, और सलून के पास ही भाई एक कपड़ों की शॉप भी है। भाई 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 बच गया यार, भाई बच गया। तो ऑल राइट अभी भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज़ हमारी चल रही है ना, तो यार संभालनी बहुत मुश्किल हो रही है। ये गाड़ी फ्रैंकलिन की खुद की तो नहीं लग रही, बट एक सेकंड भाई, ये रही ये रही ये रही, यही शॉप है। तो गाड़ी को हम पहले साइड में भाई पार्क कर देते हैं,
लेकिन गाड़ी को पूरा अच्छे से लॉक करना पड़ेगा कि यहाँ पर भाई गाड़ी तो ऐसी गाड़ी है तो भाई एक मिनटों के बीच में भाई चोरी होती है। लॉस सैंटोस के बीच चोर बहुत ज्यादा हैं। तो चलो भाई गाड़ी से निकलते हैं बाहर और गाड़ी को अच्छे से भाई ओके लॉक कर दिया। गाड़ी को अच्छे से भाई लॉक करके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भाई गाड़ी चोरी भी हो जाती है। तो चलो अभी चलते हैं सलून के अंदर। यहाँ पर इस बंदे ने भाई बहुत ही तगड़ा हेयर कट किया है। इस नाई ने इतना अच्छा हेयर कट किया। तो भाई यार मेरे सर के ऊपर बाल नहीं है बट मुझे बाल उगाने हैं। क्या मेरे सर के ऊपर बाल उग सकते हैं? तो ये तो कह रहा है कि हाँ उग सकते हैं। पहले भाई अपने हेयर को वॉश तो क्या करवाना है, हमारे तो भाई हेयर है ही नहीं तो वॉश हम क्या खाक करवाएंगे। तो बट कोई नहीं, यहाँ पर भाई बैठ जाते हैं। तो देखते हैं क्या करता है ये बंदा। अभी ये बाल काटेगा या क्या करेगा? काटने तो इसने क्या है बट उगाएगा ही। तो सबसे पहले भाई हम इसके हेयर स्टाइल देखते हैं कि हेयर स्टाइल हमें भाई रखना कौन सा है। वाह भाई यहाँ पर तो ऑप्शन ही बहुत ही ज़्यादा है यार। कौन कौन सा मुझे हेयर स्टाइल का कट करवाना है? तो सबसे ज़्यादा अच्छा हेयर कौन सा लग रहा है? ये तो भाई चोमू सा लग रहा है, छोड़ यार ये नहीं करवाएंगे। और ये वाला स्टाइल मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, ये गजनी टाइप का है, $200 का है। तो चलो यही करवाते हैं। तो ओके देखते हैं ये क्या करता है। अब उगाएगा ये भाई, ये क्या करेगा? पीठ दिखा रहा है अभी तो। ओ भाई इसने सच में यार उगा दिए, क्या बात है यार। बंदे बंदे के पीछे टैलेंट तो है। यहाँ पर तो भाई सर के बाल भी उग जाते हैं और दाढ़ी भी उग जाती है, क्या बात है। फ्रैंकलिन तो भाई हमारा कितना स्मार्ट बन गया भाई, कितना चोमू सा लग रहा था। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं बाहर भाई, अपनी गाड़ी में बैठ कर चलते हैं। बट इस बंदे का थैंक यू कहते हैं कि भाई इसने सर के ऊपर भाई ये बाल उगा दिए हमारे, कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। यहाँ पर लोग भाई कितने पैसे लगाने के लिए रेडी रहते हैं कि हमारे सर के ऊपर बाल नहीं उग रहे। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सर के ऊपर बिना बाल के भाई घूम रहे हैं, लेकिन हमारे बंदे ने 1 सेकंड में यहाँ पर बाल उगवा लिए। वाह क्या बात है, आई अप्रिशिएट योर वर्क मैन। तो चलो गाइस अभी हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में। तो बाल तो भाई हमने कटवा लिए, अभी हम गाड़ी को लेकर गाइस चलते हैं कपड़ों की शॉप के ऊपर। सो कि हमने क्लॉथ्स लेने हैं फ्रैंकलिन के पास। अभी इतने अच्छे क्लॉथ्स तो है नहीं घर के बीच में, अभी जो क्लॉथ्स इसके पास हैं वो पुराने हो गए हैं। तो कोई स्टैंडर्ड की भाई दुकान के ऊपर चलते हैं क्योंकि अभी हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कोई भी भाई चीज़ खरीद सकते हैं लॉस सैंटोस के बीच में। अगर हम चाहे तो पूरा लॉस सैंटोस ही खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनके साथ पहले बात कर लेते हैं। तो ऑल राइट गाइज, इनको मैंने पूछा कि जिस टाइप का मुझे डिज़ाइन चाहिए, तो ये कह रही कि पैंट कोट कोट पैंट भी है, यहाँ पर शूज़ भी हैं और सूटकेस भी है। अगर आपको पैसे वगैरह रखने के लिए चाहिए या मोबाइल वगैरह रखने के लिए सूटकेस चाहिए वो भी है। लेकिन सूटकेस का क्या प्राइस है? सूटकेस का प्राइस गाइस पहले चेक कर लेते हैं। तो नहीं यार सूटकेस तो नहीं लेना, लेकिन मैं शूज़ ज़रूर ले रहा हूँ। तो शूज़ $800 के है, $870। लेकिन सबसे महंगे वाले कौन से लग रहे हैं? ये वाला डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं ये वाला डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये परचेज़ कर लेते हैं। चलो ऑर्डर। कोट पैंट भी हम चेक कर लेते हैं। तो भाई कोट पैंट के इनके पास डिज़ाइंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं। हर एक कोट पैंट का प्राइस $4,000, $5,000 भाई महंगे हैं यार। चलो कोई नहीं, अभी तो हमारे पास पैसे हैं तो हमें महंगा और सस्ते से क्या मतलब। अभी हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, अभी हमारे पास है तो महंगे और सस्ते से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने पैसे तो हम भाई कुछ ही घंटों के बीच में कमा लेते हैं। तो कैसे कमा लेते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट यार चॉइस लोग कहेंगे कि तेरी बहुत ही बेकार चॉइस है, बट मैं बताना चाहूँगा कि आपकी चॉइस कौन सी है, बताना ज़रूर। तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। $590 अब हमने लगा दिए कोट पैंट पर। दो कोट पैंट हमने परचेज़ कर लिए कि बाद में भी हमें कोई दिक्कत ना हो कि नेक्स्ट टाइम हम दूसरा वाला ट्राई कर पाए। तो ओके, तो यहाँ पर कोई घड़ी वगैरह लेनी हो तो घड़ी वगैरह छोड़ यार भाई, घड़ी वगैरह टाइम कौन देखता है, आज के टाइम में तो मोबाइल का ज़माना है। ऑल राइट गाइज, फ्रैंकलिन देखो भाई कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी में। तो गाड़ी में भाई बैठकर अब चलते हैं अपने मेन काम के लिए, क्यों भाई हमारे पास अभी काम बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा फ्रैंकलिन कौन सा भाई काम करता है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बंदा बन गया? तो इतना बड़ा भाई पोजीशन के ऊपर पहुँचने के लिए फ्रैंकलिन को भाई क्या कुछ करना पड़ा? अभी इसके पास ये गाड़ी भी है, इतना बड़ा घर जो आपको मैंने पहले दिखाया। तो फ्रैंकलिन का भाई यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था, तो उसको जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा भाई आज से 4 साल पीछे, क्योंकि 4 साल पीछे जो फ्रैंकलिन ने भाई किया बहुत ही बड़ी भाई, इसने चोरियाँ की। आपको भी पता है कि फ्रैंकलिन ने भाई चोरियाँ करके वैसे यहीं तक पहुँचा है। एक चीज़ है कि फ्रैंकलिन चोरियाँ करके ही यहाँ तक पहुँचा है, बट इसने जो चोरियाँ की उस चोरी के बीच में ये अकेला था या इसके साथ और भी बंदे थे, और बहुत सारे लोगों ने इसकी सपोर्ट भी की, बट इसके साथ बहुत सारे भाई पुलिस केस भी हुए। बट ऑल ओवर सब कुछ जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से 4 साल पीछे।
तो फ्रैंकलिन की पास्ट स्टोरी के बारे में जानने के लिए आज से 4 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा कि फ्रैंकलिन ने ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से इतना बड़ा बंदा बन गया। तो चलते हैं अब फ्रैंकलिन के 4 साल पास्ट की स्टोरी की तरफ। फ्रैंकलिन का पहला घर, फ्रैंकलिन ने जब अपने पहले घर के बीच में रह करता था तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा फ्रैंकलिन का रूम और ऊपर की साइड में भाई एसी लगा हुआ है, बट इतने छोटे से कमरे के बीच में भाई एसी बहुत ही बड़ी बात है। और हमारे छोटे से कमरे के बीच में तो भाई बड़ा कमरा भी है चाहे, बट एसी उसी की फैसिलिटी तो है ही नहीं। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है तो शीशा भी भाई अवेलेबल है, शीशा वगैरह सब कुछ रखा है। यहाँ पर कॉफ़ी कप क्या बात है, इसको देख नहीं रही बट अभी भाई देख रही है। लगता है इस इन दोनों की भाई बनती नहीं है, लगता है लड़ते रहते हैं कुत्तों की तरह आपस के बीच में, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम भाई फाइनली चलते हैं बाहर। तो पहले भाई एक चीज़ है यार, एक सेकंड, यहाँ पर भाई साहब देखो यार गणेश जी की, भाई यहाँ पर लगता है बाहर की साइड में भी भाई मानते हैं ना, मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया में मानते थे गणेश जी को, लेकिन बाहर की साइड में भाई मानते हैं। यहाँ पर गणेश जी को पहले तो भाई इनको मत्था टेक ही देते हैं कि हमारा भी भाई लाइफ के बीच हम भी कुछ बन जाएं। तो कुछ बनने के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलो गाइज अभी हम चलते हैं। ऑल राइट गाइज अभी हम बाहर चलते हैं और बाहर जाकर भाई कोई काम वगैरह करते हैं, क्योंकि काम करने के लिए कुछ तगड़ा ही करना पड़ेगा। अभी जेब के बीच पैसे तो बस 5 रुपये हैं, तो 5 रुपये से भाई क्या आएगा आज के टाइम में, 5 रुपये से कुछ नहीं आता क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। तो चलो चलते हैं अब बाहर जाकर कुछ तगड़ा ही करते हैं। तो चलो गाइज अभी हम बाहर चलते हैं और पहले गैरेज के बीच में देखते हैं कि गैरेज के बीच में इसके पास कुछ है या नहीं। बट अभी तो मुझे भी नहीं पता कि फ्रैंकलिन के पास कुछ है, बट हाँ भाई इसके पास गाड़ी तो नहीं है बट साइकिल ज़रूर है। तो चलो गाइज अभी इसकी साइकिल के ऊपर ही भाई हमें जाना पड़ेगा, कि अभी यार हमारे पास पैसे नहीं है। जेब के पीछे भाई ओनली कितने हैं, तो जेब के पीछे अभी कोई पैसे तो नहीं है बट साइकिल पर ही अभी जाना पड़ेगा। अभी हम बहुत ही गरीब बंदे बने हुए हैं तो हमारे पास पैसे वगैरह तो अभी कमाने के लिए कोई जॉब करनी पड़ेगी। तो जॉब भाई इस इतने बड़े शहर के पीछे हमें भाई कौन देगा, हम तो भाई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है कि कोई हमें जॉब दे दे कोई स्टैंडर्ड की जॉब। ऑफिस के बीच में वर्क जॉब तो हमें मिलने नहीं वाली, बट मुझे लगता है कोई मजदूरी वगैरह ही करनी पड़ेगी। तो चलो गाइज अभी हम चलते हैं कोई भाई जॉब ढूंढने के लिए। इतने बड़े शहर में अभी हमारे पास कोई भी जॉब नहीं है, तो जेब में भाई पैसे भी नहीं है कि कुछ हम अपने लिए कोई सामान भी खरीद पाए। अभी एक ये टूटी सी साइकिल है, बट भाई साहब यार जब कोई गाड़ी लेकर मेरे पास से निकलता है ना तो पूरी गरीबों वाली फीलिंग आती है कि यार मेरे पास कोई गाड़ी है क्यों नहीं यार, गाड़ी को भाई ख़रीदना है किसी भी तरह से। और यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर भाई डॉलर का साइन बना हुआ है। तो चलो गाइस अभी हम लगाते हैं अपनी साइकिल को यहाँ पर पार्क। तो ये बंदे हैं तो इन बंदों के साथ तो पहले भाई बात करते हैं कि हमें कोई जॉब ही दे दे, शायद ये हमारी कुछ हेल्प कर पाएँ। तो जाकर इनसे पूछते हैं, ये फायर एब्रिगेट वाले आग बुझाने वाले लगते हैं, तो इनसे पूछते हैं। ओ भाई अरे 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 ओ भाई 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 अबे यार इन लोगों ने तो भाई ये लोग तो हमारे साथ हाथापाई करने के लिए आ गए। ओ भाई ये तो हमारे साथ भाई हाथापाई करने के लिए आ गए यार, हम तो यार जॉब ढूंढने के लिए गए थे, मेरी साइकिल भी वहीं पर रह गई, ये बंदे मेरे साथ लड़ने के लिए आ गए। आ जाओ भाई, आ जाओ तुम्हारी भैंस की टांग सालो, तुम लोग बहुत 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 ज़्यादा चर्बी चढ़ी है क्या, बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ी। ओ भाई तेरी भैंस की टांग, आ जा तू भी, तूने भी चक्की का आटा खाया है ना बेटा, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। आ जा तू भी आ जा, तेरे भी अंदर वो चुल मच रही है ना लड़ने की। आ जा ले का घुसा, एक और खा ले, फिर से उठ गया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आ जा तेरी भैंस की टांग, तू भी आ जा साले, तू भी आ जा ले, आ जा अगर भाई और लड़ना है तो। गाइज यार हम तो जॉब ढूंढने के लिए भाई यहाँ पर आए थे, बट ये बंदे हमारे साथ भाई हाथापाई करने लग गए यार। मैं तो प्यार से बात कर रहा था लेकिन अच्छी बात नहीं है ना यार, अगर हम जॉब ढूंढने के लिए गए तो भाई शराफत के साथ हमारे साथ बात करनी चाहिए, ये मेरे साथ भाई हाथापाई करने के लिए आ गए यार। फाइनली ये लास्ट बंदा है, अब इसके साथ बात करके देखते हैं शायद ये हमारी कोई हेल्प कर पाए। ये मुझे थोड़ा अच्छा बंदा लग रहा है तो इससे पूछते हैं। तो ऑल राइट गाइज इसके साथ मेरी बात हो चुकी है, ये मुझे भाई कह रहा है कि जल्दी से जाओ और यहाँ पर एक दरवाज़ा है, ओके यहीं पर जाने का मुझे रास्ता लग रहा है, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। वो कह रहा है कि तुझे जॉब के लिए इनके साथ बात करनी पड़ेगी। तो ऑल राइट गाइज अभी हमें भाई जॉब के बीच में रख लिया है,
तो आज हमारा पहला दिन है जॉब पर। तो चलो गाइज अभी हम चलते हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए, अंदर जाकर अटेंडेंस लगा देते हैं। तो गाइज अभी अभी मुझे मेरे मैनेजर का फोन आया, मुझे फोन करके कहा है कि कहीं पर आग लग चुकी है और एक गाड़ी तो हमारी ऑलरेडी चली गई है, लेकिन वहां पर एक गाड़ी से काम चल नहीं रहा तो दूसरी गाड़ी ले जानी पड़ेगी। तो उसने अभी मुझे कहा है ये काम करने के लिए। तो चलो गाइज अभी हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में। तो हमें ये वाली गाड़ी दी हुई है जॉब करने के लिए भाई। तो फाइनली अभी हमारी जॉब है, तो जॉब तो भाई करनी पड़ेगी। एक सेकंड, पीछे गाड़ी आ रही है कि जॉब के पीछे हम किसी को कोई दिक्कत नहीं दे सकते, ना हम किसी को कोई दिक्कत दे सकते हैं ना कुछ। बस भाई साहब अभी हमें एक काम है, ये रही भाई, मुझे लगता है एक गाड़ी ने ही सारा काम कर दिया। तो फिर भी भाई थोड़ा बहुत गाड़ी के बीच में धुआं निकल रहा था, तो हमने ये रही भाई एक, यहाँ पर भी एक गाड़ी के बीच में आग निकल रही है, इसको बुझा देते हैं। तो यही हमारा काम है भाई अभी, तो फिलहाल के लिए अभी हमारा यही काम है। तो और तो कहीं पर कोई गाड़ी नहीं है जिसको आग लगी होगी। तो चलो गाइज अभी पूरे शहर का चक्कर मार कर आते हैं, तो देख कर आते हैं कि कहीं पर आग उग लगी है तो हमें बुझानी पड़ेगी। फाइनली अभी हमारा काम तो यही है। और कोई, एक सेकंड, यहाँ पर भाई ये भाग कर आ रहा है, क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? अभी क्या भाई, हमारा एक टीममेट को, वो टीममेट ऐसे भाग क्यों रहा है? अरे अरे क्या हो गया तुझे? गाइस हमारा टीममेट पूरा भाई डरा हुआ है, इसको जाकर पूछना पड़ेगा। एक सेकंड एक सेकंड, गाड़ी से बाहर निकलते हैं पहले। तो चलो गाइस जाकर पूछते हैं। अरे भाई क्या हुआ तुझे? अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, तुझे क्या हुआ? गाइस ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है यार हमारा टीममेट। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हो गया? तो फाइनली गाइस अभी हमारा टीममेट रुक चुका है, पता नहीं इसको क्या हुआ था भाई। चल आ जा, अभी चलते हैं वापस, वापस आ जाना गाइस। पता नहीं यार क्या हो गया था इसको, ये ऐसे हमारा टीममेट भाग रहा था। मुझे तो बहुत चिंता होने लगी कि शायद किसी ने पंगा पंगा ले लिया, लेकिन ये हमारा दोस्त है तो हम अपने दोस्त की तो पूरी हेल्प करेंगे भाई। दोस्तों की हेल्प करने के विषय में पीछे कभी नहीं हटता। तो चलो गाइस ऑलरेडी अभी हम फाइनली पहुँच, तो चलो गाइस अभी हम भाग कर पहुँचते हैं अपनी गाड़ी के बीच में। तो ऑल राइट गाइज अभी हमारे टीममेट को कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमारा टीममेट पूरा डरा हुआ था। अभी हम सीधा डायरेक्टली पहुंचते हैं लोकेशन लगाकर, यहाँ पर रेड सिग्नल हुआ है तो रूल्स को भी भाई फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम अभी जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बीच में भाई रूल्स को भी ऑलरेडी भाई फॉलो तो करना ही पड़ता है। तो चलो गाइज पूरे शहर का चक्कर मारने के बाद हमें कोई ऐसा केस तो देखने नहीं मिला, बट हमारा दोस्त डरा हुआ था, हमारा टीममेट डरा हुआ था। उसको तो कैसे भी करके भाई मैंने समझा लिया कि किसी ने तुझे तंग किया तो मुझे बताओ। उसने कहा कि किसी ने मुझे तंग तो नहीं किया, बस मैं यूं ही डर गया था। तो अभी हम गाइस पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस में, तो गाड़ी को करते हैं पार्क। तो पार्क करने के लिए, एक सेकंड, बस मैं पहुंचने वाला हूं। तो गाड़ी को भाई पार्क करने के बाद हम ऑफिस के पीछे बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ भाई गपशप मारते हैं। तो चलो ऑल डन गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने ऑफिस में, तो गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देते हैं। ओके डन। तो चलो अब अपने टीममेट से पूछ लेते हैं कोई भूख वगैरह लगी है तो। हाँ भाई भूख लगी है? नहीं लगी। ये कह रहा है कि मुझे तो भूख लगी नहीं है, तेरा मन कर रहा है तो तू खा ले। तो चलो गाइज यार हम तो भाई खाना खुना खाने चल पड़ते हैं। तो चलो गाइज और लर्न, अभी चलते हैं हम अपने ऑफिस के अंदर। तो ओके गाइज, तो फाइनली गाइज अभी हमारा काम खत्म हो चुका है, पूरा एक दिन बीत चुका है। तो खाना तो हमने खा लिया बट उसके बाद कोई काम नहीं आया, इसी वजह से अभी मैं अपनी यूनिफॉर्म उतारने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। तो घर जाकर भाई अभी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बीवी के साथ बातचीत करते हैं। ओके गाइज अभी मुझे ट्रेन ने यहाँ पर उतार दिया है, तो भाई ट्रेन तो हमारी निकल चुकी है अब मुझे यहाँ पर उतार कर। तो फाइनली भाई मेरी जेब के बीच में बस 5 रुपये थे, लेकिन लॉस सैंटोस के बीच में अभी इतने ज़्यादा पैसे लगते नहीं है, तो इसी वजह से हमारे पैसे ज़्यादा लगे नहीं। बट गाइज यार हम पैदल जा रहे हैं, पैदल जाकर यार अच्छा नहीं लग रहा है। एक साइकिल थी, एक साइकिल भी उस कोई चुरा कर ले गया भाई, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यार। चलो गाइज अभी मेरा घर आ चुका है, तो चलो ये मेरी बीवी बारी खड़ी है। ओ भाई
अभी ये मेरी बीवी नहीं है भाई, मुझे देख कर भाई ये डरी गई यार। मैं भाई गलत घर पर मुझे लगता है मैं चला गया, मुझे आज यार बहुत दिन के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है अपने घर को लेकर। तो चलो गाइस ये रहा मेरा घर, तो अभी हम चलते हैं अपने घर पर। भाई साहब यार इस गैरेज को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा भाई अलग सा दिख लग रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी एक ही साइकिल थी वो अभी चोरी हो चुकी है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने घर पर। तो मेरी बीबी अभी मेरे से बहुत अभी भी गुस्सा है क्योंकि उसके लिए मैं कुछ लेकर नहीं आया। ओके गाइस अभी घर पर पहुँच चुके हैं, तो देखते हैं हमारी वाइफ कहाँ पर है। वाइफ के साथ पहले बात ही करनी पड़ेगी, कहाँ पर है अभी। मुझे लगता है ये घर पर नहीं है, लगता अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने के लिए चली गई। बट मुझे अभी भूख लगी है, शायद घर के पीछे कुछ बनाया, लेकिन घर के पीछे तो भाई ठर्रा ही है, तो यार दारू पीने का भी मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर न्यूडल्स हैं, लेकिन न्यूडल बनाने का मेरा न्यूडल्स का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि फ़ास्ट फूड खाकर यार पेट ख़राब हो गया था, क्योंकि पिछली बार तो पेट ख़राब हो गया था, अभी फ़ास्ट फूड खाने का मन नहीं है। तो ये तो रूम के बीच में भी नहीं है, तो कहाँ गई, कहाँ गई, यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ गई यार। मेरे रूम में तो वैसे ये यूँ ही नहीं होती, कभी मेरे रूम में आती ही नहीं है, लेकिन जूते थे उसके यहीं पर पड़े हुए हैं। हम फ्रैंकलिन की वाइफ तो यार यहाँ पर है नहीं, तो ओके चलो अभी यहाँ पर खाने के लिए कुछ है नहीं, तो चलो यार ठर्रा ही पीते हैं, इसके अलावा अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो ओके वाह, इसको देखकर अरमान से जाग जाते हैं इसके भी, एक पैग लगा लिया इसने, दूसरा भी लगवा ही देते हैं, अब दूसरा भी लगा ही ले अब। चल क्या बात है, बस दूसरा पैग पीने के बाद अब इसका पूरा काम ओके हो गया है। तो अभी सोने का समय हो चुका है, तो चलो गाइस अब इसको सुला देते हैं, काम भी बहुत कर लिया फ्रैंकलिन ने इतना सारा। भाई साहब काम करने के बाद अभी इसको सोना भी यार बहुत ज़रूरी है, तो गाइस यार सोना तो ज़रूरी है ना, तो ऑलरेडी यार सोना भी चाहिए। ओके गाइस अभी रात का समय है, तो फ्रैंकलिन चला है भाई सोने, तो आप सबको भी गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है, तो फ्रैंकलिन भी भाई उठ गया है। तो चलो पहले तो इसका मुंह वगैरह धो देते हैं, तो मुंह तो धोने की इसको शायद ज़रूरत है ही नहीं, तो इसका मुंह तो पहले भाई धोया होता है। तो फ्रैंकलिन को भाई रात को बहुत ही बुरा सपना आया कि जिन भाई फायर एब्रिगेड वाले बंदों को इसने मारा था, तो इसको भाई सपने में ये दिखा कि वो इसको मारने के लिए आ रहे हैं, बट फ्रैंकलिन अकेला था तो अकेला वहाँ से भाग गया और दोबारा फिर से वो इसके पीछे पीछे भागकर इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई साहब यार फ्रैंकलिन को इतना ख़तरनाक सपना आया, तो इसके बारे में ये अपनी वाइफ को तो बता नहीं सकता क्योंकि इसके साथ थोड़ी सी लड़ाई हो चुकी है, इसी वजह से ये अपनी दिल की बातें अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकता। तो अभी हम चलते हैं अपने जॉब पर, तो जॉब पर भाई अभी हमारा दूसरा दिन है, तो अपनी वाइफ के साथ भाई कोई बात भी वगैरह नहीं कर सकते। ये देखो ये अपने आप के पीछे मस्त लगी हुई है, अपने साथ अपने आप के साथ बात कर रही है, तो फ्रैंकलिन क्या भाई बात करेगा। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं, हमारे पास अभी कपड़े भी नहीं हैं, तो कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी होने ज़रूरी हैं। तो अभी हमारे पहला दिन था, तो अभी दूसरा दिन जा रहा है, चलो अब हम चलते हैं अपनी साइकिल। तो भाई क्या ही उठाएंगे, साइकिल तो हमारी भाई जॉब क्या करने गए, जॉब के लिए पहला दिन था, उसी दिन के बीच में हमारी साइकिल चोरी होगी। तो अभी हमारे पास ना साइकिल है ना गाड़ी है, तो गैरेज के बीच में देखें तो भाई भाग कर देखते हैं गैरेज के बीच में शायद कुछ हो, बट गैरेज तो भाई पूरा खाली है। तो गैरेज के बीच में यार कोई गाड़ी भी नहीं है, कोई साइकिल भी नहीं है, बाइक तो बहुत दूर की बात है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यार क्या तो क्या करें। तो अभी तो गाइस हम किसी से हेल्प ही मांग सकते हैं कि कोई हमें लिफ्ट दे दे, तो यहाँ पर भाई खड़े हुए हैं, कोई भी हमारी पैसे हेल्प तो नहीं कर रहा। तो चलो ऑल राइट गाइस, मैं पूरे 2 घंटे के बाद कभी कभी तो मैं बीच में भाग कर भी आया और मेरी किसी ने हेल्प भी नहीं की कि कोई मुझे यहाँ पर लिफ्ट ही दे दे। तो भाई लॉस एंजेलिस के बीच में कोई भी भाई हेल्प नहीं करता, मैंने आज देख लिया कि किसी ने भी भाई हेल्प नहीं की। तो फाइनली अभी पूरे 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जॉब तो मैंने क्या करनी है, लेकिन भाई पूरी बॉडी भाई पेन कर रही है। अभी हम चलते हैं अपनी जॉब की तरफ, तो पहले भाई अटेंडेंस लगाते हैं। तो चलो भाई अभी जल्दी जल्दी भाग कर चलते हैं, अब आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया तो क्या एक्सक्यूज़ दूंगा। जॉब्स वेलकम प्रेस, भाई ये तो कह रहे हैं कि जॉब के लिए दोबारा अप्लाई करो। तो गाइज यार मुझे लगता है कि हमें भाई जॉब से निकाल दिया गया है, शायद आज मैं लेट हो गया, ये रीज़न तो नहीं है। मुझे लगता है कि भाई इनको मेरा काम जब पसंद नहीं है, क्या हुआ, यहाँ पर कोई एम्प्लॉय भी नहीं है, तो उनसे मैं पूछ ही लूँ, तो यहाँ पर कोई एम्प्लॉय वगैरह भी नहीं है। तो भाई इस गाड़ी को देखकर तो यार मुझे
बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि यार हमें जॉब के पीछे भाई निकाल दिया, तो किसी के साथ भाई बात भी नहीं हुई, तो अभी हम गाइस क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो अभी भाई ये एक सेकंड, वहां पर फायर एब्रिगेड वाला एक और है, तो इसके साथ मैं बात करके देखता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर अपना जॉब मैं करता था लेकिन मुझे जॉब के पीछे निकाला क्यों गया, तो इससे पूछते हैं। हेलो हेलो, ओ भाई, तो गाइस ये तो हमारे साथ भाई लड़ने के लिए आ रहा है यार। यार पहले भी हमारी झड़प हुई थी इनके साथ, तो अभी ये हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहा था लेकिन भाई ये ठंडा होकर चला गया। तो ऑल राइट गाइस, यार पहले तो भाई मैंने इनके बहुत सारे बंदों को मार दिया, 4 बंदों को मार दिया, तो इसी वजह से मुझे लगता है इसके बॉस को भी पता चल गया होगा कि उन बंदों को मैंने मारा था। मुझे 100% कन्फर्म नहीं है कि मेरे बॉस को पता चल गया कि 4 एम्प्लॉय को मैंने मार दिया है। तो ये सब कुछ होने के बाद अभी फ्रैंकलिन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया है, इसकी वाइफ भी इसके साथ बात नहीं कर रही और ना ही इसको इससे जॉब मिल रही है, ना जेब के बीच में पैसे हैं। तो इस टाइम के बीच में फ्रैंकलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ये एक ऐसी जगह पर आया है जहाँ पर भाई कोई ना बंदा ना है कुछ, लेकिन अब यहाँ पर ये करेगा तो करेगा क्या, वो तो आगे जाकर पता चलेगा। तो फाइनली अभी यहाँ पर कुछ है तो नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कबाड़ का काम शायद चल रहा है, तो चलो भाग कर जाकर गाइस देखते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पर है क्या। तो आगे की साइड में ये बड़े बड़े भाई कंटेनर रखी हुई हैं, तो चलो आगे भी जाकर भाई देखते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पर है क्या। यहाँ पर मुझे कोई कोरियर का काम लग रहा है, 2 बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक एम्प्लॉई है, यह मुझे बॉस लग रहा है, नहीं बॉस तो नहीं लग रहा है, शायद ये भी एम्प्लॉई है यहाँ का। तो चलो गाइस इसके साथ बात करके देखते हैं, शायद ही हमें जॉब पर रख ले। भाई हमें यार जॉब की ज़रूरत है। ओ भाई अभी ये तो साला बहुत गुस्से से देख रहा है यार, मुझे नहीं लगता भाई इसके साथ बात बनेगी यार। चल चल छोड़ गाइस, एक सेकंड भाई, यहाँ पर तो गन पड़ी हुई थी, एक सेकंड भाई साइड में जाकर देखते हैं कि मुझे गन मिली तो मिली कौन सी है। मुझे भाई अभी की अभी ये गन मिली है यहाँ पर। ओ भाई साहब, ये तो पिस्टन है यार, तेरी भैंस की टंग्स साले, तूने मुझे जो ऊपर नहीं रखना, तेरी भैंस की टांग। आ जा बेटे, ये भाई बहुत ही ज्यादा घूर कर देख रहा था ना, बहुत ही भाई घूर कर देख रहा था। अभी भाई इस बंदे को लुटका दिया, ये दूसरा है ना। तो अभी यहाँ पर 2 बंदों को हमने मार दिया है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो फाइनली हमें यहाँ पर भाई गन मिल गई है। तो अभी एक ही काम है, कोई जॉब वगैरह पर तो हमें रख नहीं रहा, तो अभी एक ही काम है, तो फटाफट भाई ये गाड़ी चुराते हैं। और ओके गाइस, तो अभी मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचा हूँ और यहाँ पर मुझे गाड़ी बहुत ही मस्त वाली लग रही है। इस गाड़ी को भाई पहले चुराते हैं यहाँ पर, ये गाड़ी भाई बहुत ही तगड़े बंदे की लग रही है। तो ओके भाई साहब, गाड़ी देख सकते हो कि गाइस इतनी तगड़ी गाड़ी है भाई, मैंने भाई गाड़ी को घुमाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। चलो चलते हैं भाई अभी इसके अंदर, यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, ए लड़की भाग भाग यहाँ से। तो चलते हैं गाइस अंदर। तो ओके पैसे दे, मुझे पैसे दे, पैसे पैसे दे, जल्दी कर जल्दी, नहीं तो गोली बज जाए, गोली आर पार हो जाएगी। जल्दी जल्दी पैसे दे, जल्दी 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 कर, जल्दी कर, हरे अब। तो ऑल राइट गाइस, अभी हमारे पास $10,000 आ चुके हैं। ये भाग कर जा रहा है, ये कहीं पुलिस को कंप्लेंट ना करते, इसको पहले ही मार देते हैं। ये पुलिस को अगर कंप्लेंट कर दी तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। ओके तो चलो अब हम चलते हैं गाइस गाड़ी के बीच में बैठकर एक और शॉप की तरफ। ये शॉप को तो हमने खाली कर दिया, जितने भी इसके पास पैसे थे सारे पैसे हमने लूट लिए। अभी नेक्स्ट शॉप की तरफ चलते हैं, और उस शॉप के बीच में मुझे भी पता नहीं है कि कितना पैसा होगा। अभी पहली शॉप थी, पहली शॉप की तरफ से ही भाई हमें $10,000 मिल गए। $10,000 मीन्स कि इंडिया के हिसाब से लगा कर चले तो भाई ये हो गए कम से कम, हाँ 9 लाख रुपये हो गए। तो 9 लाख के करीब हमने कमा लिए है बहुत सारे पैसे। तो चलो अभी हम चलते हैं भाई नेक्स्ट शॉप की तरफ। तो ऑल राइट गाइस, मैं गाड़ी को भगाता हुआ था बहुत दूर आ चुका हूँ और शहर के बीच हम एंटर कर गए हैं। शहर में अभी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर बहुत सारा पैसा है और उनका काम भी भाई अच्छा खासा चलता है। तो यहाँ पर तो पार्किंग है, कोई शॉप तो वैसे दिख नहीं रही, तो गाड़ी को घुमा कर देखते हैं शायद यहाँ पर कोई शॉप हो। ये कोई, हाँ डोमेस्ट्रिक, ये कोई शॉप लग रही है। यहाँ पर गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, देखने में तो भाई ये कोई शॉप ही लग रही है। तो चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, तेरी भैंस की टांग तुझे अलग से बताना पड़ेगा। जे रही गाइस शॉप,
बंदा कहां पर है? पैसे दे पैसे दे पैसे दे, जल्दी कर जल्दी, फास्ट फास्ट, जितना लेट करेगा उतना नुकसान होगा तेरा, जितना ज्यादा लेट करेगा। ओके तो फाइनली तो इससे भी भाई हमें मिल गया $10,000, पूरे $20,000 हो गए हैं। तो जॉब के बीच में लगने का तो भाई सबसे अच्छा काम तो हमें यही वाला लगा कि भाई जॉब के बीच में काम करके पूरे 2 दिन मैंने काम किए लेकिन $1 भी नहीं मिला। यहाँ पर बस 2 शॉप्स के ऊपर, 2 बंदों के ऊपर मैंने गन तानी तो फटाफट भाई हमारे $20,000 बन गए, क्या बात है। इस काम के बीच में प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ। अभी तो गाइस हमारे पास पिस्टन है, तो यार पिस्टन के साथ तो मैं बंदों को डरा डरा कर मैं बोर हो चुका हूँ। लेकिन एक सेकंड भाई, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम टू सेम गाड़ी के जैसी एक और गाड़ी है यहाँ पर। ओ भाई लड़की भाई यहाँ से गुजर रही थी, डर गई हमें देख कर। भाई ये गाड़ी देखने में कितनी ज़्यादा खतरनाक है यार। गाड़ी देखो गाइस स्काई ब्लू कलर के बीच में आ गई साइड में, भाई क्या सिस्टम लगाया हुआ है। मुझे तो ये भाई फायरिंग करने वाली गाड़ी लग रही है, बट आई डोंट नो, ये तो भाई चलाकर ही इसको पता चलेगा। लेकिन ये फायरिंग करने वाली गाड़ी नहीं है, ये आगे की साइड में इसकी लाइटिंग लगी हुई है, शायद नाइट के बीच में पता चलेगा। अभी तो दिन का समय है, तो दिन के समय के बीच में तो इतना खास कुछ हमें पता नहीं चलेगा। तो अभी ये गाड़ी लेकर चलते हैं। ये गाड़ी की तो भाई लुक ही कुछ बहुत ही अलग सी है यार, लुक देखकर भाई मजा ही आ रहा है यार, क्या लुक है यार गाड़ी की। के अंदर तो फाइनली मैं सोच रहा हूँ कि कार को वॉश करवा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो $15 लगेंगे इसके। लेकिन हमारे पास अभी $20,000 हैं, तो $20,000 के साथ $15 लगवाने कोई बुरी बात तो है नहीं। तो चलो गाइज अभी कार को वॉश करवा ही लेते हैं, मेरा मन तो वैसे कर रहा है कि अपनी कार को वॉश करवा लूँ। तो ओके ओके गाइज हमारी कार भाई वॉश होने के लिए रेडी हो चुकी है। ओके तो कार भाई, तो हमारी कार भाई पहले जैसी बिल्कुल नई और चकाचक हो गई है, शीशे की तरह भाई चमक रही है गाड़ी भाई। तो गाइस हमारी कार पूरी भाई चमक रही है शीशे की तरह। तो चलो अभी इस चमकती हुई कार के बीच में बैठकर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रॉबरी की तरफ। ऑल दैट गाइस 2 शॉप को हमने लूट लिया है, तो अभी नेक्स्ट शॉप को लूटने की बारी आ चुकी है। और 2 शॉप से हमें $20,000 मिले, तो $20,000 अभी हमारे पॉकेट के बीच में पूरे $20,000 है। तो गाड़ी को पहले यहाँ पर पार्क कर देते हैं, तो इन लोगों को तो भाई पता भी नहीं है इनके साथ अभी क्या होने वाला है। तो भगा देते हैं इन सभी को, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो इन सभी लोगों को भाई भगा दिया है, तो भाग जाओ थोड़ी भैंस की टांग। चलते हैं इसके अंदर, पैसे दे जल्दी कर, पैसे दे पैसे दे, मुझे पैसे चाहिए, जल्दी कर। तो जितना ज्यादा लेट करेगा उतना ही ज्यादा तेरा नुकसान होगा। चलो ओके, तो $40,000 से अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बट फाइनली एक और हमें शॉप मिल जाए तो गाइज अगर एक और शॉप हमें मिल जाती है तो फिर शायद हमारी थोड़ी बहुत उम्मीद भी बढ़ जाएगी। शायद हमें $20,000 या $10,000 मिल जाए, उससे हम बहुत सारी गन्स भी बाय कर पाएंगे। तो ऑल राइट गाइज यहाँ पर पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप के पास यहाँ पर शॉप है। जैसे मैंने पहले बताया कि हर पेट्रोल पंप के पास एक शॉप तो होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर पेट्रोल पंप ढूंढ रहा था। तो इसने भाई हमें पूरे $2,00,000 दिए हैं। तो चलो गाइज भाई सब, ओ भाई तो गाइज पुलिस भाई हमारे पीछे, देखो भाई 2 स्टार की पुलिस पड़ गई। पुलिस को पता चल गया कि हम यहाँ पर बैंक रोबरी करने आए हैं। तो पैसे लेकर भाई हम यहाँ से निकल चुके हैं, और अभी गाइस फटाफट गाड़ी को घुमाकर निकलते हैं यहाँ से। या यहाँ पर तो गैंग के बंदे, तेरी तुम्हारी भैंस टूटा भाई, गैंग के बंदे थे यहाँ पर। तो यार तो अभी हमारे पास पूरे के पूरे $1,40,000 हैं। तो यार पुलिस भी भाई साहब हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ी हुई है, 2 स्टार की पुलिस पड़ी हुई है और हमें पकड़ने में जुटी हुई है, बट हम उसके बिल्कुल भी हाथ नहीं आने वाले। तो पुलिस तो हमें ढूंढने में लगी हुई है कि पुलिस अब हमें पकड़ ले जल्दी से जल्दी, बट पुलिस के हाथ हम ऐसे नहीं आने वाले। तो पुलिस तो भाई अपनी पूरी जी जान से कोशिश कर रही है कि हमें पकड़ ले। ये पीछा छोड़ने का नाम क्यों नहीं ले रही यार, भाई हमने पैसे ही लिए हैं, बट हमने कौन सा भाई यार किसी को किडनैप कर लिया या हमने कोई बड़ा काम कर दिया ऐसा जिसकी वजह से पुलिस हमारे पीछे भाई 3 स्टार की पड़ गई है। यार गाइस यार इनसे भाई पीछा छुड़वाएं तो छुड़वाएं कैसे भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी भैंस की टांग, ये देखो इनको तो भाई मुझे लगता है ख़त्म ही करना पड़ेगा। अब ख़त्म करके ही भाई हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा भाई परेशानी दे रहे हैं पुलिस वाले, तो हमें इसको पट्टे से हट छोड़। ये देखो एक ये रहा, तो चल भाई इसको भी हमने मार दिया। तो चलो गाइस अभी हम यहाँ से निकल पड़ते हैं।
जल्दी जल्दी भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुलिस और ज्यादा पीछे पड़ गई, इनके साथ फोर्स बहुत ही ज्यादा होती है पुलिस के साथ। बट तेरी उसकी टांग, इसको भी जल्दी जल्दी भाई खत्म करना ही पड़ेगा, इसको भी पट से हेडशॉट देना ही पड़ेगा। चल ऑल राइट गाइज, तो भाई इसके टायर के पीछे मेरी गाड़ी का टायर फंस गया, बट डन। अभी हम फटाफट भाई यहाँ से निकल पड़ते हैं। भाई साहब पुलिस तो भाई इतना ज़्यादा पीछे इस टाइप से बड़ी हुई है कि हमने भाई पता नहीं कुछ इतने बड़ा जैसे कोई रानी का नेकलेस चुरा लिया हो। तेरे को दिखता नहीं है क्या यार? बंदे को तो यार दिखता भी नहीं है यार, आगे खड़े हुए है, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कौन रहा है यार। तो फाइनली गाइस चलो यार फटाफट भाई 3 स्टार की पुलिस से पीछा छुड़वाना है हमने किसी भी तरह से। बट ये देखो तुम, ये देख मेरे पीछे आएगा, मेरे पीछे आएगा। हाँ ये ले खा गोली, गोली खा बैठे तू, तुम्हारे हिस्से तो आज गोली आएगी। ये देखो ले, अब हेडशॉट खाकर भाई बैठा है, अभी हेडशॉट खाकर मरने के बाद कैसा लगा बैठे तू ये ओ भाई लड़की, ओ भाई लड़की को भाई हमने क्या उड़ा दिया यार। यार किसी को ऐसे नजायज मुझे मारना अच्छा नहीं लगता, बट ये तो लेकिन ये जो है ना, ये देखो भाई साहब देख सकते हो कि यार ऊपर हेलीकॉप्टर भी आ गए हैं यार। भाई हेलीकॉप्टर, यार हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, ये गाड़ियां कम थी जो हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ा इनको। नहीं 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 भाई साहब 3 पुलिस वालों की गाड़ी मेरे गाड़ी के पीछे खड़ी कर दी। आप अगर मेरे को भाई पकड़ लेते ना, सच कह रहा हूँ गाइस कि अब हम पुलिस के साथ भाई जेल के बीच में चक्की पीस रहे होते। बट ऑल राइट, अभी हम फटाफट भाई यहाँ से निकल जाते हैं। अभी बहुत ही सुंदर सी जगह पर आ चुके हैं, बट पुलिस तो भाई पीछे ऐसे ही आ रही है जैसे कि क्या होता है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इनसे भाई पीछे जुड़वा रहा जैसे कि भाई किसी भैंस से ना भाई कुछ बुलवाने जैसा है, किसी जानवर से कुछ बुलवाने जैसा है। बट इनसे पीछे छुड़वाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैं 3 स्टार की पुलिस, सॉरी 3 स्टार की नहीं भाई 4 स्टार की पुलिस पड़ गई। ओ माय गॉड भाई, तेरी भैंस की टांग, तेरी भैंस की टांग। इसको तो पहले लुड़काना ही पड़ेगा। आ जा तो मुंडी बाहर निकाल, ये ले पट से हेडशॉट। इसको ही भाई हेडशॉट करके भाई हमें ख़त्म किया। बट भाई इतनी बड़ी पुलिस पुलिस से भाई मैं पीछा छुड़वाते मैं पक चुका हूँ। अभी किसी पुलिस वाले को मारना नहीं है, बस गाइस फटाफट यार यहाँ से ले यार। पुलिस से पीछे छुड़वाते बहुत सारे लोगों की भाई एक्सीडेंट हो रहा है, हमारी गाड़ी से बहुत सारे लोगों का भाई एक्सीडेंट हो रहा है। बट इनसे तो भाई पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा, बट किसी तरह से मैं गाड़ी को पूरी सही सलामत ले जाऊँ। बट मेरा अभी यही दिमाग है, सॉरी यार भाई बच गया वो बंदा। बट ये आगे से आ रहे हैं भाई, कितना अबे साइकिल वाले तू साइड में हो जा, मैं लोगों को भाई गोली के बिना तो भाई यार ये पीछे छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता जितना ज़्यादा मैं इनको मारूंगा उतने ही ज़्यादा ये मेरे पीछे पड़ेंगे। बट यार इनसे पीछे छुड़वाने का यार मैं क्या करूँ, कोई ना कोई तो भाई जुगाड़ लगाना पड़ेगा अभी इनसे पीछे छुड़वाने का। इतनी भाई मेहनत करने के बाद अगर हम सारे पैसे इन पुलिस वालों को दे देंगे और जेल के पीछे चक्की पीसने का काम तो भाई हम करने नहीं वाले। सीधी सी बात है भाई, भाई 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 मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया इन्होंने। नहीं 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 टायर तो भाई पंचर नहीं हुआ, और मुझे ऐसे ही भाई लगा कि टायर भाई इन्होंने पंचर कर दिया। मेरे टायर के ऊपर भाई इन लोगों ने यार गोली मारी भाई मेरे टायर के ऊपर। बट ऑल डन, टायर मारा बिल्कुल ओके आ। बट आगे की साइड से जो पुलिस वाले आ रहे हैं ना यार, इनके साथ यार मैं क्या करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बट अभी फटाफट भाई यहाँ से निकलते हैं, मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है इनसे पीछे छुड़वाने का। मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं आ रहा, बस एक ही आ रहा है कि मैं बस भागूँ यहाँ से। बट एक चीज़ है गाइज कि आप देख रहे हो कि यार एक बस रॉबरी करने का, बस मतलब पैसे लेने का, पैसे की वजह से 4 स्टार की भाई पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। बट एक दिमाग में चीज़ आ रही है कि कहीं पर भाई जाकर अब छुपना पड़ेगा, अभी एक ही रास्ता है। तो चलो गाइज अभी ना छिपने की हम जगह ढूंढते हैं, अभी गाइज छिपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। भैंस की टांग, ये देखो यहाँ पर गाइज एक टनल है, इस टनल के भाई नीचे से चलते हैं, इस टनल के नीचे से चलते हैं तो ये हमें भाई ढूंढ नहीं पाएंगे। ऑल राइट गाइस, पुलिस की गाड़ी पीछे से तो आ ही रही है, बट आगे की साइड में भी है, आगे वो रही। बट इन लोगों ने मुझे ढूंढ तो लिया है, अभी यहाँ से भाई सीधा वहाँ सामने की साइड के पीछे बस पहाड़ ही है, उस उन पहाड़ों का भाई सहारा लेना पड़ेगा अब। बट मुझे लगता है गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ये गाड़ी भाई बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। जैसे मैंने सोचा था कि गाड़ी मेरी थोड़ा बहुत साथ दे देगी, बट ये गाड़ी साथ भी भाई नहीं दे रही यार। एक बार मुझे यहाँ से इनकी चंगुल से पीछे छुड़वा दे बस, मेरी गाड़ी, मेरी प्यारी गाड़ी इस इनके चंगुल से छुड़वा दे बस किसी तरह से, तो फिर मैं तुझे रानी की तरह रखूँगा।
साले अभी तो ट्रक वाले भी हमारे दुश्मन बन रहे हैं आज भाई यार लॉस सैंटोस के बीच में ये हो क्या रहा है यार। एक तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और दूसरे भाई जो लोग है भाई लोग भी हमारा इतना ज़्यादा मजाक ही बना रहे हैं भाई। अगर पुलिस वाले हमारे ऊपर गोली तान रहे हैं और ये ट्रक वाले भाई हमें टक्कर मार रहे हैं आज तो हमारी किस्मत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जहाँ तक भाई मुझे लग रहा है। बट ऑल राइट अभी आगे ले यार तेरी भैंस की टांग। तो इनसे भाई भाग भाग कर मैं पक चुका हूँ पूरा भाई मैं पक चुका हूँ। अभी कुछ तो यार जुगाड़ लगाना पड़ेगा इनसे बचने के लिए। अभी मुझे लगता है यहाँ से अभी हमें टर्न बाय टर्न अभी हमें लेफ्ट राइट जाकर इनकी नज़रों से थोड़ा बहुत भाई बचना ही पड़ेगा। अभी और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो गाइस कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर गाइस मैं इनसे पीछा छुड़वा पाऊं। बट ऐसी कौन सी जगह होगी जिससे ओ भाई साले इतने ज्यादा हेलीकॉप्टर लेकर आए एक अकेले को मारने के लिए इतनी बड़ी फोर्स लेकर आ गए यार ये तो जरा सी भाई दया नहीं आती इनको इतने ज्यादा बेशर्म हो गए भाई यार पुलिस वाले। तो भाई हमें यार एक सेकंड के लिए भाई अकेला भी नहीं छोड़ रहे। बट अभी हम करें तो भाई करें क्या अभी मेरे पास एक ही रास्ता है कि कहीं पर भाई छुपने के भाई जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई ढूंढनी ही पड़ेगी। अब फटाफट भाई कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहां पर पुलिस का कोई नामो निशान ना हो। ओ भाई देख सकते हो गाइस कितनी ज्यादा भाई पुलिस की गाड़ियां पीछे आ रही है यार क्या करें तो करें क्या भाई इनसे यार बचने का कोई रास्ता तो यार जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनके इनसे भाई बचने कोई रास्ता ना हो बट एक ही रास्ता है कि कोई मुझे लगता है मेरी इस गाड़ी के मुझे लगता है कि भाई ओ भाई साहब गाइस देख सकते हो कि फ्रैंकलिन को भाई इतनी ज्यादा गोली पड़ी हुई है भाई 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 तेरी भैंस की टांग निकलो सालो तुम्हारी भैंस की टांग निकलो साइड में हो। एक अकेले बंदे को हम पकड़ने के लिए इतनी बड़ी भाई इतनी बड़ी भाई फोर्स लेकर आए हैं ये हमें पकड़ने के लिए। बट बड़े भाई हम क्रिमिनल तो थे नहीं बट इन पुलिस वालों ने अब हमें भाई बना दिया इतना बड़ा क्रिमिनल। तो सामने की साइड में मुझे एक भाई टनल दिखी है वहाँ बिल्कुल भाई सामने एक टनल है बहुत ही बड़ी टनल लग रही है। बट इससे भाई एक नहीं 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 भाई यार इस टनल के बीच ये रही भाई सामने की साइड में एक टनल इस टनल के बीच में जाऊँ तो जाऊँ कैसे बट कुछ तो भाई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नीचे की साइड से मुझे लगता है घूम कर जाना पड़ेगा। यहाँ से लेते हैं राइट शायद यहाँ से भाई मुझे कोई रास्ता मिल जाए। बट ऑल राइट ये रही गाइस अब यहीं से गाइस हमें गाड़ी को घुमा कर लेकर जाना पड़ेगा। बट सामने की साइड से भी पुलिस की गाड़ी आ चुकी है यहाँ पर गाइस मुझे दिख गई है यहाँ पर रेलवे की लाइन। ओके अभी ये रेलवे की लाइन ही भाई हमें बचा सकती है। बट फटाफट भाई अब निकलते हैं अभी एक ही रास्ता है सामने की साइड में जो टनल थी उस टनल के बीच में घुस जाते हैं। तो ऑल राइट गाइस अभी हम ट्रेन को फॉलो करते करते भाई इसी टनल के बीच में अब पुलिस से बचने का मुझे सबसे बड़ा और खुफिया तरीका भाई मुझे मिल चुका है। अभी एक ही रास्ता है गाइस पुलिस से बचने का। अगर पुलिस ने मेरी गाड़ी पकड़ ली फिर तो मैं इस ट्रेन के ऊपर भाई चढ़ जाऊँगा। ऑल राइट अभी गाइस थोड़ा सा यहाँ पर भाई वेट कर लेते हैं यहाँ पर गाइस वेट कर लेते हैं। पुलिस अब हमें ढूंढ रही है मुझे लगता है सामने की साइड से पुलिस की अगर गाड़ी आ रही होगी फिर तो हमें बहुत ही बड़ी भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि गाइस सामने की साइड से पुलिस की गाड़ी नहीं नहीं गाइस पुलिस की गाड़ी सामने की साइड से नहीं आ रही ना पीछे की साइड से आ रही है। बट मुझे लग रहा है कि भाई गाड़ी ऊपर की साइड में है पुल के ऊपर भाई पुलिस हमें ढूंढ रही है। अभी हम थोड़ी सी भाई मूवमेंट नहीं करेंगे अगर थोड़ी बहुत भी गाइस हम मूवमेंट करेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर छिपे हुए हैं। बट ऑल राइट अभी एक ही रास्ता है शायद इनको पता नहीं है कि मैं टनल के बीच में छिप सकता हूँ। इतना दिमाग अगर इनके पास होता तो अभी तक इन लोगों ने मुझे पकड़ लेना था। ऊपर की साइड में मुझे ये ढूंढ रही है बट मैं छिपा तो ऑल राइट गाइस तो फाइनली गाइस पुलिस ने भाई पीछा छोड़ ही दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा भाई टेंशन के बीच में आ गया था बट आगे की साइड में वैसे सुबह के टाइम में है बट इतना ज़्यादा भाई पुलिस की चंगों से भाई भागते भागते मैं बहुत ही ज़्यादा पक गया था यार। पुलिस अब हमारा पीछा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी ये तो पता नहीं था। एक चीज़ थी कि मैं इनसे पीछा छुड़वा सकता इतना मुझे खुद पर भाई कॉन्फिडेंस था। बट अभी हम कोई भाई जुर्म नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल से भाई पुलिस का पीछा हमने छुड़वाया। अभी हम चलते हैं अपने घर पर। मुझे लग ही रहा था कि यार पुलिस इस बार हमारा पीछा छोड़ने नहीं वाली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाई इस बार चक्कर पड़ गया था इतना बड़ा चक्कर पड़ जाएगा मुझे ये नहीं पता था। बट ऑल डन अभी हमारे पास पूरे का पूरे भाई $2,00,000 है। तो फटाफट भाई हम चलते हैं इस गाड़ी के साथ भाई स्टंट करके अब तो मज़ा आ रहा है। पहले तो मज़ा गया पहले तो भाई हमारे लिए सजा थी लेके तो अभी तो गाइस हम आराम से भाई घर जा सकते हैं क्योंकि पुलिस हमारे
पीछे से भाई हट चुकी है। 4 स्टार की पुलिस पड़ गई। अगर गाइस 5 स्टार की पुलिस पड़ जाती तो बहुत पुलिस को भाई हटाना बहुत मुश्किल हो जाना था। मुझे नहीं लगता कि लॉस सैंटोस के पीछे कभी भी 4 स्टार की पुलिस किसी टेररिस्ट के पीछे पड़ी होगी। तो ऑल राइट गाइस, अभी बहुत मुश्किल के बाद भाई मैं पुलिस के चंगुल से बच के निकला हूँ। फाइनली अभी मेरे पास जितने पैसे हैं तो मैं फ्रैंकलिन अपनी वाइफ को ये पैसे देगा। वही पैसों से फ्रैंकलिन अब अपनी वाइफ को खुश करेगा और उसको कोई ना कोई नई चीज़ लेकर देगा। तो चलते हैं अब सीधा डायरेक्टली अब हम अपने घर पर। तो चलो गाइज अभी यहाँ से लेते हैं भाई लेफ्ट, तो अभी हम यहाँ से लेते हैं भाई राइट। लेकिन पुलिस की आवाज़ गाड़ी की क्यों? अरे वेट भाई, मेरे घर के सामने गाइज कितनी ज़्यादा भाई पुलिस है यार। लगता भाई पुलिस ने मेरे घर का लोकेशन ट्रेस करवा लिया। चलो अभी तो यहाँ से भाई भागना ही पड़ेगा, यहाँ से भाग लेते हैं भाई। ऑल राइट, तो ऑल राइट गाइस, मस्टैंग को भी भाई हमने पीछे छोड़ दिया। पुलिस वाले को भाई मस्टैंग की गाड़ियाँ भाई कब से ये लानी शुरू कर दी यार। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा, मैंने आज तक पुलिस की भाई मस्टैंग की गाड़ी नहीं देखी कि पुलिस को ड्यूटी के बीच में मस्टैंग मिली होगी। बट ऑल राइट, लगता पुलिस भाई वो गाड़ी भाई लगता है हमारा पीछा छोड़ गई है। बट एक सेकंड भाई साहब, भाई 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 ये तो भाई सच में यार पीछा नहीं छोड़ रही, मुझे लगता है ये पकड़ के रहेगी। तो ऑल राइट गाइस, चलो यार फटाफट भाई गाड़ी को भगाते हैं और इस गाड़ी को भाई हम पीछे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि पुलिस की भाई इतनी तगड़ी गाड़ी भाई हमारे अभी हमें फॉलो कर रही है। बट मुझे लगता है हमने उसको भाई पीछे छोड़ दिया है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि पुलिस को इतनी तगड़ी गाड़ी भाई कैसे देने लगी। लगता यहाँ की भाई जो गवर्नमेंट है वो पुलिस को अब बस टैंक देने लगी है गाड़ी। बट ऑल राइट, अभी गाइस हम पुलिस की उस गाड़ी को पीछे छोड़ दिया है। तो चलो अब हम पहुँच गए भाई शहर के बीच में, अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो ऑल राइट गाइस, तो अभी हम भाई बहुत ही मुश्किल से बच के निकले हैं। हमारी गाड़ी भाई टकरा गई थी, गाड़ी का भाई हालत देख सकते हो कि गाइस कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई हमारी गाड़ी की। बट ऑल डन, मुझे अभी पूरा मैं खुद को सेफ महसूस कर पा रहा हूँ कि भाई मैं बिल्कुल सेफ हो चुका। बट भाई साहब, भाई 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 भैंस की टांग, अभी यार ये गाड़ी कैसे यार मस्टैंग भाई हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। भाई मैं बहुत ही ज़्यादा भाई मुश्किल के बीच में आ गए। ये गाड़ी और कोई पुलिस वाला हमारे पीछे नहीं है, बट यही एक मस्टैंग गाड़ी है जो हमारा भाई पीछा कर रही है। बट इससे भाई पीछा कैसे छुड़वाएं यार। भाई भाई ओ भाई ओ भैंस की टांग, देख रहे होगी गाइस क्या हालत कर दी इस गाड़ी ने मेरी यार। मेरी कार देख सकते होगी गाइस, अभी निकलने का कोई भी भाई रास्ता, अब मैं भाग दो भागूंगी क्या। मेरी गाड़ी का भाई पीछे वाला टायर ही निकल गया तो करे क्या। अभी इसने मेरे ऊपर भाई गन तान दिया और भाई ये गोलियां मारनी शुरू कर दी। भाई सब भाई गोली मत मारो प्लीज़ यार, गोली मत मारो। तो ये कह रहा कि बाहर निकल जाओ, तो ओके अब हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि भाई हाथ खड़े कर लो, तो हमारे तो भाई हाथ काम रहे कि ये कहीं हम पर भाई गोली ना चला दे। भाई गोली मत चलाना, मैंने हाथ खड़े कर दिया है। तो ये गन है, तो गन ये आप ले लेना, मुझे गन नहीं चाहिए, बस मुझे छोड़ दो। तो ये कह रहा है कि गाड़ी में बैठ, अपने हाथ ऊपर ही करना। तो ओके गाइज, अब हमने हाथ भाई ऊपर करके गाड़ी के बीच में बैठ चुके हैं। तो ऑल राइट, तो ये देख रहे होगी गाइज यार कितनी भाई तगड़ी गाड़ी है यार मस्टैंग, यार आग निकल रही है गाड़ी के पीछे से। भाई मैं तो यार आज पहली बार मस्टैंग देख रहा हूँ, वो भी एक पुलिस वाले के पास भाई मस्टैंग की गाड़ी। भाई क्या गाड़ी चलाता है ये बंदा यार। पुलिस वाला मुझे पूछ रहा है कि तुमने इतना बड़ा काम किया तो किया क्यों। तो भाई इसके साथ बात होते होते मैंने इसको ये बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जॉब करने के लिए गया, बट जॉब के बीच से मुझे निकाल दिया गया। उसने कहा कि तू अच्छी जॉब नहीं करता, तो मैं डिप्रेशन के बीच में आ गया था। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि अब मैं रोबरी करूँगा तो और कोई मुझे रास्ता नहीं दिखा। अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब तू जेल के बीच में जाएगा क्या, तुझे अच्छा लगेगा। भाई अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बट अभी फाइनली ये हमें जेल के बीच में ले जा रहा। भाई मैं बहुत ही ज़्यादा अभी डर रहा हूँ। तो ऑल राइट, अभी चलते चलते हम पुलिस स्टेशन पे गाइस पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पुलिस की तो 4 गाड़ियाँ और खड़ी हुई हैं। तो गाड़ी को इसने यहाँ पर कर दिया है गाइस पार्क, कितनी तगड़ी पार्किंग रखी हुई है भाई इसने। तो चलो गाइस, अभी ये पुलिस ऑफिसर हमारे ऊपर एम तान कर हमें यहाँ पर लेकर जाएगा, तो वहीं पर हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये हमें भाई गोली मार देगा। तो इनका भाई कोई भरोसा नहीं है, शायद ये गोली मार भी सकता है। बट भाई गोली मत, भाई ऐसे डराओ मत यार, मैंने हाथ ऊपर किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भाई ये डरा रहा है। बट चलो गाइस, अभी मैं भी भाग कर चलता हूँ।
अभी तो अभी गाइस हमें ये जेल में लेकर जा रहा है, तो अभी इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, इसने गेम हमारे ऊपर ही किया हुआ है। तो चलो गाइस अभी ये जेल के अंदर, अब हमें जेल दिखा रहा है कि अब यहाँ पर चल, गोली मार के हमें डायरेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ पर अब तुझे जाना है। क्या भाई, क्या यही जेल है? नहीं, ये कह रहा है कि ये जेल नहीं है, इस थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी नीचे चलते हैं। तो फाइनली चलो गाइस अभी हम चलते हैं नीचे, मुझे लगता है थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। भाई मेरा तो यार दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, जेल के बीच में भाई हमें यार बंद करने वाले हैं, ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया। लेकिन ये क्या कर रहा है भाई, ये तो लगता है सुरंग बना रहा है यहाँ से भागने की। मैं यहाँ से निकल सकता हूँ? दिमाग के बीच में भाई खुरापाती आइडिया भाई। नहीं भाई, हम यहाँ से भागने की तो भाई सोचेंगे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस ऑफिसर ने तो भाई उसको गोली मार के मार ही दिया, देख सकते हो भाई क्या हालत कर दिया एक बंदे की। ये यहाँ पर भाई ड्रिल मशीन चला रहा था भाई साहब, इसको मारा भाई कितना गंदे तरीके से भाई मारा। ये कह रहा है इसके अंदर चल, चलो भाई इसके अंदर जाना पड़ेगा। अब अभी इसने रैंच क्यों उठा लिया भाई? ओ भाई साहब, ओ भाई मत मारो यार, मत मारो यार। अरे मैं अपने गुनाह भाई कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ, मत मारो यार। लेकिन ये भाई मारने भाई, ये तो मारता जा रहा है यार, ये तो मारने वाला नहीं है भाई। भाई बिल्कुल, ओ यार छोड़ दे, अरे सर छोड़ दो, छोड़ दो। गुस्सा तो इतना आ रहा है, बट मैं इसको कुछ कह नहीं सकता, बहुत गुस्सा आ रहा है, बट कुछ नहीं मैं इसको कह सकता, क्योंकि अगर मैं इसको मारूंगा ये मुझे और मारेगा। अभी मुझे लगता है ये दूसरे कैदी का भी भाई यही हाल कर रहा है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा भाई मुश्किल हो चुकी है। बट अभी यहां से निकलेंगे तो भाई निकलेंगे ऐसे, यहाँ पर तो भाई टॉयलेट भी है, देखो यहीं पर पानी या पीने का, यहीं पर टॉयलेट है भाई। क्या ज़िंदगी होगी है यार एक सेकंड के बीच में, बहुत ही बेकार ज़िंदगी होगी है। बट यहाँ पर सोने के लिए गद्दे थोड़े से अच्छे हैं, बट ऐसे अच्छे गद्दों का क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कैदी बने हुए हैं भाई। अब कैदियों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, जैसे मैंने सुना था कि यहाँ पर कोई भी चीज़ की अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, वही चीज़ देखने को मिल रही है। बट अभी हम यहाँ पर निकलेंगे कैसे? तो अभी हम गाइस जेल के बीच में हैं, तो यहाँ से अब निकलेंगे कैसे? तो निकलने का भाई कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, वो हम करेंगे भाई नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस बार का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्द आने वाला है, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इस बार का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। इस बार के एपिसोड के बीच हम रखते हैं, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था, इसलिए हम कुछ ज़्यादा आपसे मैं कहूँगा नहीं, बस 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो अगर आप नेक्स्ट पार्ट इसका देखना चाहते हो। तो आज की वीडियो में यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।